अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, स्वागत है आपका firstbite.tv में। दुनिया के साथ ही देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में मरीजों का आंकड़ा 5,865 हो गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 169 हो गई है। हालांकि 478 मरीजों ने चिकित्सकों की मदद से कोरोना को मात भी दी है। इस बीच उत्तर प्रदेश के सभी 15 जिलों में नई व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया गया है। इन 15 जिलों में उन जगहों पर लगभग कर्फ्यू के हालात रहे जहां संक्रमित मरीज पाए गए हैं। कई जिलों में ड्रोन की मदद से भी निगरानी की गई है। मेरठ में आज 17 मुकदमे दर्ज किए गए। ये मुकदमे उन लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं जिन्होंने लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं लिया है और बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं। आज दिन में एडीजी प्रशांत कुमार, आईजी प्रवीण कुमार के साथ ही मंडल आयुक्त अनिता श्री मेश्राम ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। इस मौके पर पत्रकारों को एडीजी प्रशांत कुमार ने जानकारी दी। देखिए, कल जब कंप्लीट लॉकडाउन की बात आई थी तो कुछ सोशल मीडिया से इस तरह से बातें फैल गई कि पूरे शहर में लॉकडाउन कराया जा रहा है और इस पे तात्कालिक रूप से कुछ लोग सामान की खरीदारी करने के लिए निकल पड़े थे। वो कल शाम तक चीज़ों को बता दिया गया, लोग अलर्ट भी हो गए और अब स्थितियां पूर्णतया सामान्य हैं और पूरे जोन में ऐसी 37 जगहें हैं जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, उनको कंप्लीट लॉकडाउन शासन के निर्देशानुसार किया गया है। ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि वहाँ प्रॉपर छिड़काव, वहाँ सफाई और जो एसेंशियल सप्लाईज़ हैं वो उचित दर पे और उचित मात्रा में ऑन डिमांड हम मुहैया कराएं। इसके लिए कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक कार्य कर रहा है और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि प्रत्येक कॉल जो हमें रिसीव होती है उसको प्रॉपर हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करें और प्रत्येक जगह जो सामान गया है और कहां से सामान गया है इसका भी हम रिकॉर्ड रखें ताकि आम जनता को किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। इसके साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग मास्क को पहनें और शासन के निर्देशों का अनुपालन करें और हम लोग पूरी तरीके से सभी आवश्यक सामग्री सही समय पे सप्लाई करने के लिए कटिबद्ध हैं, सक्षम हैं, किसी तरह के सामान की कोई कमी नहीं है। देर शाम मेरठ के एसएसपी अजय साहनी ने दिन भर के हालातों की जानकारी पत्रकारों को दी। आइए देखते हैं। जनपद मेरठ में जो आप जानते हैं, जैसा कि 12 हॉट स्पॉट है उसमें सुबह से ही सारी फोर्स लगी थी, बैरिकेटिंग पर्याप्त मात्रा में वहां पर है। किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं है। उन सभी एरियाज में आज ड्रोन कैमरों के माध्यम से लगातार सुबह से निगरानी की जा रही है। इन ड्रोन कैमरों से कुछ हमें फुटेज मिले हैं जिसके आधार पर साथ ही कुछ और लोग बाहर निकले थे, पुलिस को मिले। कुल 17 मुकदमे आज मेरठ में पंजीकृत किए गए हैं 29 लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम और संबंधित आईपीसी की धाराओं में, और सभी लोग घरों में हैं, उसका पालन सुनिश्चित कर रहे हैं। चूँकि आज पहला दिन था इसलिए एक सबको बार बार समझाने के बाद पुलिस को एक कार्रवाई करनी पड़ी। अब सभी लोग घरों के अंदर हैं और सबसे ये भी अपील की गई है कि अभी शबे बारात है, रात में सभी लोग घर में रहें। किसी भी मस्जिद में या किसी सामूहिक स्थान पर अगर कोई व्यक्ति किसी को बुलाता है नमाज के लिए या किसी अन्य गतिविधियों के लिए तो माना जाएगा कि वो कोरोना कैरियर की भूमिका निभा रहा है और उसके खिलाफ भी गंभीर धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, जो 17 लोग हैं जो 17 मुकदमे दर्ज हुए हैं 38 लोगों के खिलाफ, वो क्या कर क्या रहे थे? विभिन्न स्थानों पे जो इसका वायलेशन कर रहे थे, तमाम निर्देशों के बावजूद घर में नहीं थे, बाहर निकले हुए थे, बाइक से जा रहे थे, ऐसे लोगों के मुकदमे पंजीकृत किए गए।